महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर और स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका और उनके परिश्रम को नज़रअंदाज करता आया है। आज वक्त बदल गया है। शहर ही नहीं बल्कि गांव की बेटियां भी देश का नाम रोशन कर रही हैं और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इन्हीं सब संघर्षों और परिश्रम से आगे बढ़ी महिलाओं की कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ। मैं हूँ शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि फतेहपुर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। चर्चा शुरू करने के से पहले दर्शकों को उनके जीवन के अब तक के सफर की झलक दिखा दें। उत्तर प्रदेश का जिला हमीरपुर में यमुना तट पर बसा है एक छोटा सा गांव पतियोरा। यहीं साल 1967 में श्री अच्युतानंद और शिवकली के घर एक बेटी ने जन्म लिया। माँ बाप ने प्यार से नाम रखा निरंजन ज्योति। ज्योति अपने तीन भाइयों बहनों में दूसरे नंबर पर है। मजदूर परिवार में जन्मी निरंजन ज्योति का बचपन बेहद गरीबी में गुजरा, लेकिन किसे पता था कि ये छोटी सी बच्ची आगे चलकर बड़ा नाम करेगी और सांसद और केंद्र में मंत्री बनेगी। निरंजन ज्योति बचपन में पिता के साथ खेतों में काम करती थी, कैनाल की खुदाई करती और मजदूरों के साथ फावड़ा चलाती। कम उम्र में ही ज्योति को समाज सेवा और आध्यात्म की तरफ रुचि होने लगी थी, जिसके चलते वो ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद शास्त्री के शरण में चली गई और उनसे शिक्षा दीक्षा लिया और वो निरंजन ज्योति से हो गई साध्वी निरंजन ज्योति। सन्यासी होकर आध्यात्म की यात्रा के साथ साथ 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर सामाजिक जीवन में भी सक्रिय हो गई। यूं तो साध्वी निरंजन ज्योति के लिए राजनीति में आना इतना आसान नहीं था। साल 1984 में पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था। इसी बीच सिवान के एक नेता द्वारा दिए गए विवादित भाषण ने साध्वी निरंजन ज्योति को अंदर से बेचैन और झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गई। यहीं से शुरू हुआ साध्वी निरंजन ज्योति का राजनीतिक सफर। हमारे सांसद श्रीमती निरंजना ज्योति बहुत स्वभाव शीतल की हैं और घर घर जाती हैं, अच्छा व्यवहार करती हैं, हमारे सुख दुख को देखती हैं और हमारी बात को सुनती हैं। जो हम अपनी समस्या लेके जाती हैं, कहीं ले गई कि हमारे गांव में कॉलोनी नहीं है, कच्चे घर बने हैं, कभी हमारे हैंडपंप नहीं हैं, कहीं हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, तो हमारी समस्याओं को समाधान करती हैं और अच्छे से बात करती हैं, आती जाती हैं घर में, अच्छे से मीटिंग बना के सुनती हैं। साल 1990 में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और 2002 में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ी। हालांकि वो जीत हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद 2003 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया। साध्वी निरंजन ने 2007 में दोबारा से हमीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन अफसोस कि दूसरी बार निराशा ही हाथ लगी। इन सब के बावजूद साध्वी निरंजन ने अपना हौसला और धैर्य नहीं खोया। 2010 से 2012 तक वो उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश मंत्री रहीं। तीसरी बार उन्होंने 2012 में विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ा और हमीरपुर से जीत हासिल की।
हमारी दीदी हमारे घर आती हैं, हमारे सुख दुख में मदद करती हैं, घर घर आती हैं, हमेशा हमारी सुनाई करती हैं। 2014 में वो फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री बनी। अपने ओजस्वी भाषणों के लिए मशहूर साध्वी निरंजन ज्योति कठिनाइयों से भरे रास्तों पर चलकर न केवल केंद्रीय मंत्री के मुकाम पर पहुंचे, बल्कि निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर की उपलब्धि पाकर उन्होंने आध्यात्मिक बुलंदियां भी हासिल कर ली हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का सफर काफी दिलचस्प रहा है, तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनके तरफ से। नमस्कार। साध्वी जी, आपके बचपन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और जितने भी विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं कि महिला सांसद जो आज लोकसभा में बैठी हैं, तो उनके कहानी में आपका सबसे दिलचस्प है, तो आप बताइए आपके बचपन के बारे में। मुझे लग रहा है कि मेरा बचपना यदि कोई पढ़ेगा तो कभी हताश नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता। संघर्षों में जब आदमी बढ़ता है तो मुझे लग रहा है और उसमें निखार आता है और चमक आती है। तो मैं अपने बचपन की याद करती हूँ तो मुझे अपने पिता की स्मृति आ जाती है, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। शायद आज वो होते तो सबसे ज़्यादा खुशी और गर्व उनको होता है। मैं जब स्मरण करती हूँ अपने पिताजी का कि हम लोगों के अंदर जैसे संस्कार उन्होंने दिए, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबके पिता ऐसे हों, माता ऐसे हों। मैं बचपना अपना याद करती हूँ क्योंकि बहुत सरकारों के नारे सुने, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। हमने वो दिन तक देखे हैं जब मैं, मुझे याद है थोड़ी सी 14 साल की आयु में निकली थी, लेकिन उसके पहले जो मेरा जीवन था, मेरे पिताजी बहुत निहायत गरीब थे और मैं अपने पिता पर नाज भी करती हूँ क्योंकि गरीब होते हुए ईमानदार और ईश्वर भक्त थे। काम करने जाते थे, कोई भी काम करते थे तो हमसे जितना बनता था हम लोग करते थे। पढ़ाई पे भी आपको बहुत, पढ़ाई 5वीं क्लास तक मेरे गांव में स्कूल ही था और बड़ा गांव था, उसके बाद भी 5वीं क्लास तक ही था पढ़ते हुए। और मेरे पिताजी 2 क्लास दूसरी दर्जा पढ़े हुए थे, मुझे पढ़ाने में हम लोगों के उनका बहुत इंटरेस्ट था। हमीरपुर आना पड़ता था, मेरे बड़े भाई पढ़ते थे तो वो पैदल ही आते थे 9 किलोमीटर हमीरपुर चल के पढ़ने। पता नहीं मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मेरे यहाँ एक संत खड़ेश्वरी महाराज जी 1 महीने का कल्पवास करते थे यमुना जी के किनारे, तो हम जितना हमसे बनता था सर काम निपटा करके हम पूरे मांग के मेले में वहीं रहते थे। तो वो संस्कारों के कारण मुझे भक्ति अच्छी लगती थी, कथा अच्छी लगती थी, भगवान का पूजा पाठ अच्छा लगता था। और मेरा गांव जमुना जी के किनारे बिल्कुल है, तो गर्मियों में 4 बजे और सर्दियों में 6 बजे मेरा स्नान करने का नियम था और घर में हवन भी करती थी। लेकिन ऐसा मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ क्या करूँगी, तो मेरे गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद जी ब्रह्मलीन, वो भी नहीं आज मेरे पास, ब्रह्मलीन स्वामी अच्युतानंद जी महाराज उसी यज्ञ में गए हुए थे और मेरी और बड़ी गुरु बहन थी परम शांति जी, मैं उनके साथ चली आई। एक कहानी बहुत इंटरेस्ट है, मेरे बाबा 92 साल के थे, वो चारों धाम यात्रा करके पैदल आए हुए थे और जैसे आए थे मेरे साथ ही वो हमीरपुर तक आए। उन्होंने मुझे अपनी सफ़ेद धोती दी और उन्होंने अपने जूते पहने जब मैं घर से निकली हूँ। अच्छा। और मेरे निकलने के बाद वो 8वें दिन छोटे ताऊ के घर में जाकर, चाचा के घर में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चले गए। मुझे एक बचपना था, मस्ती थी, आनंद आता था संतों के बीच में रहने में। संत राशि में एक कार्यक्रम मौदहा में हुआ था तो हम वहाँ से निकले। और एक घटना और बता दूँ, क्योंकि मैं इतने गरीब परिवार से थी, खाने का नहीं होता था, राशन मिलता था जब सूखा पड़ा था, ये मुझे याद नहीं है, 70 के पहले होगा। लाल ज्वार मिलती थी, मैं वो क्षण याद करती हूँ तो मेरा अंदर से दिल भर आता है, क्योंकि आटा पीस करके दी मेरी माँ रोटी बनाती तो हम सबका पेट नहीं भर सकती थी। मेरी माँ उसका दलिया बनाती थी और दलिया बना करके हम बच्चों का 4 2 2 3 भाई
और दो बहनें थे, हमका वो पेट भर के अपना खुद भूखे पेट सो जाते थे, ये स्थिति हमने देखी है। लेकिन एक जरूर था जो आज भी मेरे जीवन को हमेशा वो प्रेरणा देता रहता है, ईश्वर भक्ति। मेरे पिता का जीवन बहुत संघर्ष में रहा, लेकिन इतने संत थे। मेरे पैदा होने के पहले वो घर छोड़ के चले गए, वापिस आए, मेरा जन्म हुआ तो मैं ये मानती हूँ कि उनके संस्कार मेरे जीवन में आ गए। 1982 मैंने घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे संत अच्छे लगते थे, भागवत अच्छी लगती थी। 14 साल के उम्र में आपको पता था कि आपको, क्योंकि मैं रामायण पढ़ती थी, गुरुदेव मेरे पिताजी रामायण पढ़ाते थे शाम को सारे लोगों को बैठा करके, तो मुझे रामायण में जो संतों का मैंने सुना तो मुझे लगा कि संत होना बहुत अच्छी बात है। तो आपके माता पिता ने आपको प्रेरणा दी या आपको जाने दिया? नहीं, कोई इजाजत नहीं दी। मेरे बाबा जरूर मेरे साथ हमीरपुर तक आए थे नौका में बैठ करके, लेकिन मेरे बड़े भाई जो रेलवे में गए थे वो तो इतने गुस्से में थे कि मिल जाएगी तो मार डालूंगा, क्योंकि घर से गांव में लड़की निकले और घर परिवार चर्चा वालों का मुद्दा बनता है। चर्चा का मुद्दा, और लोग कहते लोगों थे, ने क्या कहा? लोगों ने कहा ये तो फला की बेटी, शिव प्रसाद नाम था मेरे पिताजी को, अपने बाप की नाक कटा के चली गई, ये करके चली गई। अब आप कल्पना करेंगे, लोगों को लगता था कि वो तो चली गई। मैं 10 साल तक मुड़ के नहीं देखा गाँव को, गई भी नहीं। कहाँ थे आप वो 10 साल? 10 साल में आप आश्रम में थी, गाँव में जाते थे, प्रवचन करते थे, सीखते थे रामायण भागवत उपनिषद ये पढ़ते थे, और सन्यासी बनने के बाद ही मैंने इंटर तक की पढ़ाई भी की, पढ़ते पढ़ते सब कुछ करते करते प्रवचन करते करते भजन गाते गाते। और मैं मानती हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी को देखती हूँ तो मुझे अपना वो समय याद आता है, बचपन से सुनते थे गरीबी दूर करेंगे गरीबी दूर करेंगे। आप बहुत इंटरेस्ट वाली घटना है बताएं। तो मैं मौदहा से अपने गुरुदेव के साथ हम आ रहे थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री संतरासी में हमीरपुर का एक सुमेरपुर ब्लाक है, वहाँ उनकी सभा थी, तो हमें लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हमें लगा उत्सुकता हुई कि हम इनको सुन के जाएं। उनका आज भी मुझे स्पीच याद है, उन्होंने कहा हम गरीबी दूर करेंगे, लोगों को पक्की छत देंगे, तो मुझे उम्मीद जगी कि मैं तो घर छोड़ के निकल आई हूँ, कच्ची झोपड़ी में रहने वाले लोग, गरीबी में जीने वाले, तो मुझे लगा कि अब मेरे पिता की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये नारा इतना चरितार्थ हुआ कि आज तक मैं उसको सुनती चली आई 2014 तक, लेकिन अब लग रहा है कि गरीबों की गरीबी दूर होगी। सैना जी, मेरा जो सफ़र है ऐसा है कि एक कहानी है बिल्कुल, और उस कहानी में मुझे इधर प्रेरणा जो मिली, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूंगी जरूर, मैं तो आध्यात्मिक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म बिना पर ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, तीनों काल में संसार नहीं है, ये मेरा एक उपनिषदों का ब्रह्म चिंतन, आदिगुरु आचार्य शंकर का चिंतन वो मेरे जीवन में था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि संस्कार आपको आपके पिताजी से मिला, फिर आप गए विश्व हिंदू परिषद, तो राजनीति क्यों, और राजनीति से क्या आप कर सकते हैं आपके क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, मैं तो कभी सोचे भी नहीं थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कुछ पदों में रहूंगी या कुछ MP MLA बनूंगी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। ये शायद 2000 के पहले की बात है, 2000 की बात है जब मैं काम कर रही थी विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में 90 के लगभग में आ गए थे, तो हमारे बंगारू जी थे शायद अध्यक्ष, जी अध्यक्ष, तो पोखराया गए हुए थे कानपुर देहात में, तो मुझे उन्होंने बुलवाया, बोले साधु जी आपकी जन्मभूमि कहाँ? मैंने कहा भाई साहब जिस दिन घर छोड़ा था उसी दिन मैं वहीं छोड़ आई थी, मेरा आश्रम यदि पूछना है तो कानपुर देहात में है, मैं वहाँ रहती हूँ और संगठन में काम करती हूँ। बोले नहीं, अपना जन्मभूमि तो बताओ। मैंने कहा मैं नहीं जान पाई कि किस लिए पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई साहब मेरा, मैं बुंदेलखंड की हूँ, हमीरपुर जनपद में मेरा ग्राम पतेवरा, वहाँ की जन्मे हूँ, बस इतने पूछा उन्होंने। और फिर कहा कि आप इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं कहा, इतने पूछा। फिर उसके बाद कोई काम था, माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मैं गई, क्योंकि कार्यकर्ताओं के काम तमाम लगे रहते हैं। बोले साधु जी आप काम इतना करती हैं तो ये भी तो क्षेत्र है, और बोले आपको कौन सा क्षेत्र पसंद है? माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ। मैंने कहा भाई साहब मैंने संगठन में काम किया, मैं ना पसंद जहाँ संगठन ने भेजा वो किया, मुझे नहीं मालूम था कि चुनाव लड़ा है। तो बोले देखो सुनो, हमीरपुर देखो,
हमीरपुर में थोड़ा लगा, 2002 में फिर टिकट हो गया मेरा चुनाव में। और वो सीट ऐसी थी कि जहाँ 14,000-10,000 वोट मिलते थे भारतीय जनता पार्टी को, पहली बार में ही मुझे 32,000 वोट मिला। हार गई 5,000 के लगभग वोटों से, लेकिन मैं लगी रही वहाँ। मंजिल कठिन लेकिन हौसला बुलंद। मैंने कहा कि इसको तो मैं निकाल के मार। मुझे 2009 में लोकसभा का कह रहे थे हमीरपुर से, मैंने कहा मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगी। मैंने कहा जिस सीट को लोग कमजोर कहते मैं इसी से एक बार MLA जरूर बनूंगी। 2007 में हारी, लेकिन 12 में आकर के 64,000 वोट पाकर 15,000 के लगभग लीड लेकर के मैं MLA बनी। प्रदेश में मंत्री रही, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे। नहीं मालूम था कि पार्टी मुझे लोकसभा भी लड़ाएगी, मेरा विधानसभा क्षेत्र अलग और फतेहपुर से मुझे लोकसभा लड़ा दिया। जनता पर मुझे गर्व है कि मेरी जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। 1,87,000 से लीड दे करके मुझे भेजा। उसके बावजूद भी मुझे फर्क नहीं पड़ा कि मैं कहाँ पहुँची हूँ, लेकिन जब पार्लियामेंट में आई तब पता चला, तब मुझे लगा कि ये भी मेरे लिए सपना है क्या। कई बार मुझे लगता कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में जब बोल रहे थे कि मेरी सरकार गांव गरीब के लिए समर्पित है, मुझे लगा कि अब गरीबों का भला होगा। और आज सच में झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए को जब पक्का मकान मिलता है ना, प्रधानमंत्री आवास, तब उसको लगता है, तब मुझे लगता है कि हो सकता है कि हमें उसमें शामिल होकर के गरीबों को ये देने का था। बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनसे आपके फतेहपुर के वोटर्स को भी फायदा हुआ होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपको महिला सेंट्रिक एक योजना का नाम देना है तो वो कौन सा होगा? देखिए उस बारे में थी फ्रूट प्रोसेसिंग में, और छोटी योजना जो आई वो माननीय मंत्री हरसिमरत कौर जी थी, मैंने बैठक में रखी थी। मैंने कहा कि बड़ा प्रोजेक्ट मेगा फूड पार्क तो बड़े लोग आएंगे लगाएंगे, लेकिन छोटी यूनिट जिसमें हम महिलाओं को, किसानों को, अन्य लोगों को भागीदार कर सकें, तो उसी में छोटी यूनिट ला करके वो बहुत बड़ा काम हुआ। भी हम लोगों ने कोल्ड चेन देने का काम किया, लेकिन इस मंत्रालय में महिलाओं को जो भरपूर काम मिलना चाहिए, और मुझे अपनी समूह की महिलाओं पर भी गर्व भी है कि कोरोना काल कार में उन महिलाओं ने इतना काम किया, मास्क बनाया, सैनिटाइजर बनाया, दीदी किचन भी चलाया, वो बचत कर जैसा। आज पूरा पूरे देश में जो महिलाओं का एक समूह है, मैं एक और आपको उदाहरण बता रही हूँ। मैं बांदा जिले में गई थी तो एक महिलाओं का समूह आया, उन महिलाओं ने फोर व्हीलर भी ले लिया। वो जो पैदल चल के काम करती थी अभी फोर व्हीलर, अब महिलाओं को गांव में जगाने का काम करती, तो फोर व्हीलर से जा रही हैं, ट्रैक्टर ले रही हैं, बोर करवा करके खेती कर रही हैं, अच्छी फसल उगा रही हैं। परिवर्तन ये दिखाई पड़ रहा है, परिवर्तन। और ये परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण आया। एक हौसला बढ़ा है कि एक चा बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे तब लगा जब उन्होंने शपथ ली, तो मुझे लगा कि जब चा बेचने वाला यहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं पार्लियामेंट क्यों नहीं पहुंच सकती, थोड़ा चलाने वाले बाप की बेटी। बहुत अच्छा लगा। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है। साध्वी निरंजन ज्योति से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साध्वी जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं कि महिला का समर्थन नहीं करती है, और ख़ास तौर से राजनीति में पुरुष तो मानेंगे कि उनकी जगह एक महिला ले रही है, तो एक असुरक्षा की भावना। लेकिन आपको लगता है कि इसमें कोई तथ्य है या फिर ये सिर्फ एक फैलाया हुआ भ्रम है? देखिए मुझे लग रहा है कि ये फैलाया हुआ भ्रम है। हमारे में स्वयं में यदि क्षमता है तो सब सपोर्ट करेंगे। मैं आज स्मरण करना चाहती हूँ माननीय सुषमा स्वराज जी को। 2012 के चुनाव में मेरे विधानसभा में गई थी,
उन्होंने जो वोटरों से झोली फैला के वोट मांगा था कि तुम साध्वी जी की परीक्षा नहीं ले रहे, मेरी परीक्षा ले रहे हो, यदि महिला होकर के मेरे लिए इतना भावुक होकर नहीं बोलती तो हो सकता इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आप देखने जाएं तो गिने चुने आपके जैसे प्रतीक और मिसाल दोनों हैं। आज जो आपके पिताजी जीवित थे तो उनको बहुत गर्व होता कि आप गांव से पहुंचे हैं संसद, संसद से मंत्री, और आज आप इतना कुछ कर सकते हैं। लेकिन आम ग्रामीण क्षेत्र में जो युविका है, जो देख रही है इस प्रोग्राम को, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखो, मेरा तो एक ही संदेश है, मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मैं प्रत्येक बेटियों को ये संदेशा देना चाहती हूँ कि कभी भी संकटों से पैर पीछे नहीं करना चाहिए। संकट हमारे को एक पथ प्रदर्शक के रूप में बन करके हमें रास्ता दिखाते हैं। कई बार हम परेशानियों से परेशान हो जाते हैं, अरे ये आगमा पाइनो नित्यांश तांते तिक्षस्व भारत, गीता में लिखा है ये आगमा पाई है, सुख दुख का जोड़ा है, ये दोनों आएंगे ही। यदि हम दुख में अटक गए तो सुख कभी नहीं मिलेगा, और सुख में अटक गए तो हम आगे कभी बढ़ेंगे नहीं। ये दोनों हमारे लिए बहुत महत्व के हैं। तो मंजिल कठिन है लेकिन हौसला बुलंद रखिए और काम करते रहिए, काम करते रहिए, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर निजाम, काम करना पड़ेगा, सोना तपता है तभी वो पहनने लायक बनता है। बचपन के भारत और अभी आपके फतेहपुर क्षेत्र की के भारत में क्या फर्क है? देखिए, बचपन तो मेरा बुंदेलखंड में बीता, और बुंदेलखंड के लिए लोगों ने बहुत नारे लगाए कि बुंदेलखंड की गरीबी दूर करेंगे, बुंदेलखंड की गरीबी दूर करेंगे। लेकिन आज 2021 में मैं ये गर्व से कह सकती हूँ कि बुंदेलखंड के लोगों को पीने की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, डिफेंस कॉरिडोर दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लोगों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है, और आज मैं बुंदेलखंड से हट करके फतेहपुर से सांसद हूँ। 2014 वो फतेहपुर जहाँ से प्रधानमंत्री तक दिया माननीय बीपी सिंह वहीं से थे, लेकिन जब मैं गई हूँ बहुत बुरे खस्ता हालत थे फतेहपुर के, सड़कें नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। चिकित्सा की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज मेरे क्षेत्र के लिए दिया, इतना बड़ा जनपद वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं था, केंद्रीय विद्यालय मेरे जनपद में हुआ, महिलाओं की परेशानी, गैस की दिक्कत हमने मुफ्त में दिया, लेकिन आज मेरे जिले में पाइपलाइन से गैस पहुँच रही है। ये 2014 के बाद सब कुछ हुआ, तो फतेहपुर के लिए तो मैं जितना कर सकती हूँ कम है, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे जनपद में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई भी शुरू होने वाली है। पिछले 84 पानी टंकी हुई थी, अब इस बार तो 2022 तक कोई गांव नहीं बचेगा। तो ये मैं तो गर्व करती हूँ, जहाँ बुंदेलखंड के लिए कह रही हूँ वहीं अपने फतेहपुर के लिए कह रही हूँ। और साध्वी होने के नाते आप राम जन्मभूमि को लेके अयोध्या का भव्य मंदिर भी आपके... मेरे लिए तो ये सपना था, और मुझे लग रहा था कि हम लोगों के सामने ये साकार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं कोर्ट की भी आभारी हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का भी अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने जिस यात्रा को लेकर हम निकले थे वो यात्रा हमारे सामने ही सफल हुई। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन अफसोस की बात ये है कि अभी भी पार्लियामेंट की बात करें तो सिर्फ 14% महिला हैं। क्या आपको लगता है 33% आरक्षण की आवश्यकता है? और दूसरे तरफ क्या आपको लगता है कि ये नंबर जो अभी 17वें लोकसभा में 78 तक हम पहुंचे हैं पार्लियामेंट में, क्या इसको बढ़ाने के लिए आप जैसे महिलाओं को, अन्य महिलाओं को भी साथ में लेना चाहिए? मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पार्लियामेंट में 17वीं लोकसभा में जब अपने वक्तव्य रखे थे उस समय महिलाओं, अभी भी महिलाओं को बहुत आभार व्यक्त किया किस लोकसभा स्पीकर ने भी, मुझे लग रहा है महिला दो काम करती हैं साइना जी, हाँ, गृहस्थी भी चलाती हैं जी और समाज की प्रदर्शक भी होती हैं जी। तो महिलाओं को आगे आना बहुत आवश्यक है, घर गृहस्थी जितनी अच्छी तरह से महिला चला सकती है कोई नहीं कर पुरुष नहीं चला सकता। मैं पुरुष की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन जब महिला काम कर सकती है, और आज मुझे गर्व होता है कि जब 26 जनवरी को परेड में देखती हूँ महिलाओं को,
तो लगता है कि नहीं, कोई क्षेत्र खाली नहीं है। साध्वी जी, पॉलिटिक्स और धर्म, एक तरफ आध्यात्मिक अप्रोच और दूसरे तरफ राजनीतिक दृष्टि से, कैसे आप ये तालमेल संभालते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों ने कहा यह तो विद्वन श्रेय सिद्धि। मेरे गुरुदेव युग पूर्व स्वामी परमानंद जी महाराज, जो मेरे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, दो दिशाओं की यात्रा एक साथ। ये संभव नहीं लगता, पूर्व व पश्चिम को जाना संभव नहीं है, लेकिन दो दिशाओं की यात्रा एक साथ कैसे संभव है? जैसे जितना वृक्ष नीचे जाएगा, जितनी गहरी जड़ें होंगी, उतने ही वो विशाल भी होगा और टिकाऊ भी होगा। तो आध्यात्म हमारी जड़, और समाज का कार्य है ऊपर वृक्ष और फलाना। और मैं मानती हूँ कि जितना व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, उतना ही परिपक्व होकर के समाज में काम कर सकता है और विचलित नहीं होगा। अध्यात्म हमें सिखाता है कि विचलित नहीं होना, अध्यात्म हमें सिखाता है टिकाऊ रहना। जैसे आपने समुद्र को देखा है, समुद्र में ऊपर ऊपर लहरें चलती हैं, लेकिन यदि आप अंदर जाएंगे तो बिल्कुल शांत जल रहता है। ऐसे ही हमारा मन अध्यात्म में जब जाता है तो शांत हो जाता है। जब समाज में काम करना है तो कर्तव्य मान के करते हैं। वो मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे पद से सुशोभित होना है, मेरा कोई सम्मान करेगा। मैं तो इसको एक सेवा भावना समझ के, और मैं क्योंकि हम प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों मानते हैं, तो हो सकता है कि मेरे प्रारब्ध में हो या करना। सही बोला आपने, लेकिन एक सवाल उठता है, स्पर्धा नहीं है पुरुष के साथ, लेकिन क्या आपको लगता है कि महिला ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा ईमानदार है और ज़्यादा मेहनती है, या ये कोई स्पर्धा का मुद्दा होता है या नहीं? नहीं, देखिए, इस स्पर्धा से आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, काम से बढ़ सकता है। बहुत अच्छा लगा आपकी कहानी सुनते, और ये थी हमारी महिला सांसद साध्वी निरंजन ज्योति की कहानी, और आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। आज के शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद और जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।